हेलो फ्रेंड्स, वेजी डिलाइट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसूर की दाल, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। कैसे मज़ेदार दाल बना सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैंने ये ऑनियन ले लिया है बड़ा सा, और दो टोमेटो, दो ग्रीन चिली, ये सब ले करके हम एक इसका पेस्ट बना रहे हैं। ये देखिए, ये आपके पास अगर छोटे टमाटर हैं तो आप उनको तीन चार टमाटर ले सकते हैं, छोटी प्याज हैं तो तीन चार प्याज ले सकते हैं और उनको कर सकते हैं, और बड़े साइज़ में हैं तो आप उन्हें एक या दो क्वांटिटी इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद में ही मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, उसके अंदर हम डालेंगे घी, देसी घी। इस दाल को हम बनाएंगे घी के अंदर, क्योंकि घी के अंदर इसका स्वाद बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ पे मैंने छोटी वाली जो टी स्पून होती है वो चार स्पून घी मैंने लिया है। इसे आप कम या ज़्यादा अपनी पसंद से कर सकते हैं। उसमें आधा चम्मच हमने जीरा डाला है और दो सूखी लाल मिर्च डाली हैं। उसके बाद में लहसुन को हमने क्रश किया है, मतलब साबुत जो क्लोव होती है उसको क्रश कर लिया है, और साथ में थोड़े से करी पत्ते हैं उसको इसमें डाल के उसको भी हम चला लेंगे। और उसके बाद में जो हमने प्यूरी बनाई है टमाटर की, प्याज की और हरी मिर्च की, उस प्यूरी को इसमें डाल के भुनेंगे अच्छे से। उस जो प्यूरी है, मसाला है, उसे हम अच्छे से भुनेंगे ताकि उसका कच्चापन पूरा निकल जाए। तो इस तरीके से हम पूरी प्यूरी को इसके अंदर डाल लेंगे। ये वन पॉट रेसिपी की तरह से है कि आप एक ही पैन के अंदर आपकी रेसिपी बनके रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से इसी के अंदर हमने डाल दिया था और उसको भुनने दे रहे हैं। साथ में अब हम डाल रहे हैं नमक। मैंने इसमें 3/4 स्पून नमक डाला है। आप नमक को कम या ज़्यादा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसको हम इसके अंदर मिला देंगे। अब हम इसके अंदर आधा चम्मच के करीबन मैंने हल्दी पाउडर डाला था, एक चम्मच हमने धनिया पाउडर इसके अंदर डाला है, और आधा चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर डाला है। वो सबको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और मसाले को अच्छे से भूनने देंगे, तब तक कि जब तक कि इसमें ना ये ऑयल छोड़ नहीं देता। मसाला भूनने का हमको पता कैसे चलता है कि जो ऑयल होता है या घी होता है वो अपने आप ऊपर आने लगता है। ये हमने मसूर की दाल ली है पिंक वाली, एक बोल के करीबन, और उसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको वॉश कर लिया है। अब वॉश करने के बाद हम उसको उस जो हमने ग्रेवी को भुना है उसमें हम इसको मिला देंगे। ये देखिए इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। मतलब ये इतनी जल्दी ये दाल बन के रेडी हो जाती है, और हमें ज़्यादा बर्तनों का भी झंझट नहीं करना है, और बहुत ही स्वाद लगती है। आप इसे रोटी के साथ, राइस के साथ में आराम से खा सकते हैं। इसके अंदर हमने दो ग्लास पानी डाला है, मतलब एक बोल हमने दाल ली है तो हमने उसके अंदर आप ये तकरीबन दो, मतलब डबल क्वांटिटी आप इसके अंदर पानी डाल दीजिए, क्योंकि हम वो ज़्यादा पतली दाल नहीं बनानी है, एक अच्छी थिक कंसिस्टेंसी की हमको इसको दाल को बनाना है। अब हम इसका ढक्कन लगा के दो सीटियाँ आने तक इसको मीडियम हाई पर रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हमने लिड लगा के गैस को सीटी आने दिया है। सीटी को हमें अपने आप कंप्लीट होने देना है, उससे पहले नहीं निकालना है। ये देखिए अब हम देख लेते हैं दाल कैसी बनी है। ये देखिए काफ़ी अच्छी, हमें दाल को पतला नहीं किया है, दाल को हमने थिक ही रखा है, क्योंकि रोटी के साथ, राइस के साथ ये दाल ऐसे ही बहुत मज़े की लगती है। ज़्यादा पतली दाल इसमें मज़े की नहीं लगती है। बाकी आप बना के देखिए आपको किस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है, वो आपकी चॉइस है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं एक बोल में। ये देखिए दाल बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, और सबसे अच्छी बात है कि मसूर की दाल हुई, मूंग की दाल हुई, इनको भिगाना नहीं पड़ता है, तो ये फटाफट बन के रेडी हो जाती है। और हरा धनिया मैं इसमें पूरा नहीं मिला रही हूँ, बस थोड़ा सा गार्निश के लिए लगा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा हरा धनिया इसमें स्वाद नहीं आता है, क्योंकि करी पत्ता हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। और इस तरह से हमारी मज़ेदार दाल बन के रेडी है। इसे आप रोटी के साथ, राइस के साथ खाइए। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।